जो यूक्रेन की स्थिति है, जिस तरह से कीव की घेराबंदी की बात की जा रही है, वो स्थिति को और ज्यादा संजीदा बनाए हुए है। खार्किव में रूसी सेना के घुसने की खबर आ रही है। यूक्रेन इनकार कर रहा है कि नहीं, हमारे शहरों पर कोई नियंत्रण नहीं है रूस का, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह के दावे हो रहे हैं उसके अनुसार नियंत्रण बन रहे हैं अलग अलग इलाकों पर। खार्किव पर जबरदस्त बमबारी कल हुई थी, आज रूसी सेना के घुसने की खबर वहां पर है। कीव के मेयर ने कहा है कि जो कर्फ्यू तोड़ेगा उसे दुश्मन के तौर पर देखा जाएगा। कीव में शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया, हालांकि दिन भर कर्फ्यू का ही आलम वहां पर रहता है। जो नागरिक हैं वहां के, अधिकतर जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो दूसरे शहरों दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी युवा वर्ग है उन सबको कीव में, उन सबको यूक्रेन में रोका जा रहा है ताकि हथियार उठाकर मुकाबला वो कर सके। गोलियां बदलकर रूसी फौज भीतर घुसने की कोशिश कर सकती है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को संदेह की नजर से देखा जाएगा। ये युद्ध भूमि है, यहाँ पर इसी तरह की चीजें होती हैं। यहाँ कोई नियम नहीं होता है, नियम सिर्फ एक होता है कि जो फौज लड़ रही होती है उसे रक्षा करनी है, उसे जीत हासिल करनी है। रूसी घुसपैठ को लेकर कीव में दहशत का माहौल है।